हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं आज आई हूँ जर्मनी की कैपिटल बर्लिन सिटी में। और इस वीडियो में मैं लेके जाने वाली हूँ आपको जर्मनी के बर्लिन सिटी के कुछ मेन टूरिस्टिक स्पॉट्स दिखाने। ऐसे बर्लिन पहुंचने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इधर ट्रेन ले सकते हो, अगर आपके पास कार होगी तो आप डायरेक्टली ड्राइव करके भी पहुंच सकते हो, या फिर बर्लिन का एक अपना एयरपोर्ट भी है तो आप फ्लाइट भी ले सकते हो। बट मैं तो आई हूँ आईसीई की ट्रेन लेके, क्योंकि मैंने फ्रैंकफर्ट सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन ली थी ये बर्लिन सेंट्रल स्टेशन तक। और अभी तो बाहर बहुत अंधेरा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैंने चेक इन कर लिया है होटल के अंदर। तो जिस होटल में मैं रह रही हूँ उसका नाम है होटल ब्रिस्टल बर्लिन, जो की 5-star प्रॉपर्टी है और इनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। और यहाँ पे क्रिसमस की फुल ऑन वाइब्स है। होटल के अंदर भी लॉबी एरिया फुली डेकोरेटेड है, प्लस दिसंबर में मैं आई हूँ तो फुल ऑन क्रिसमस का माहौल है यहाँ पे। और अगर इस एरिया की बात करूँ तो ये है बर्लिन का एक बहुत ही बेस्ट एरिया जिसका नाम है कुर्फुर्स्टन डाम एरिया। तो ये जो एरिया है कुर्फुर्स्टन डाम, ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पूरा 3.2 किलोमीटर का ये जो पूरा स्ट्रीट है, यहाँ पे है सारे हाई एंड टॉपिंग ब्रांड्स। क्रिसमस के टाइम यहाँ पे सारी लाइटिंग्स लगी हुई रहती है, तो बाहर तो फुल ऑन चकाचौंध और क्रिसमस का माहौल हुआ है। अभी तो हम बाहर जाके देखते हैं कि क्या माहौल हो रहा है और बर्लिन एक्सप्लोर करने चलेंगे कल सुबह मॉर्निंग। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एज वेल, तो एंड तक जरूर देखना। और आज है संडे मॉर्निंग और इनफैक्ट मेरे पास आज का ही दिन है और कुछ 6 to 7 hours ही है बर्लिन सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैंने बीइंग लाइक अ टूरिस्ट एक टूर ली है जिसको कहते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर। तो अभी हम लेने वाले हैं एक बस, तो इससे क्या होगा कि ये बस जो है पूरा जो बर्लिन सिटी के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है वहां पे लेके जाएगी। अगर आपके पास कम टाइम है और आपको कोई सी टूरिस्टिक सिटी को एक्सप्लोर करना है, स्पेशली सिटी लाइक बर्लिन जहां पे इतनी सारी हिस्टोरिक जगह है घूमने जैसी, तो ये हॉप ऑन हॉप ऑफ बस का बड़ा ही सही ऑप्शन होता है। मैंने पे करे है 28 यूरोज, जो कि 24 hours के लिए है। तो चलते हैं उस लोकेशन पे, लेते हैं अपनी टिकट आज के लिए एंड एक्सप्लोर करते हैं बर्लिन सिटी। और मेरी बस आ चुकी है, इस बस में हम बैठेंगे और हॉप ऑन हॉप ऑफ टूर लेंगे। तो जिनसे मैंने ये टूर ले रही हूँ इनका नाम है सिटी सर्कल। तो इसमें ऑलमोस्ट दिया है 23 spots है जहाँ पे ये बस हमें लेके जाएंगी। सारी जगहों पे तो उतर के एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे अंदर बैठ जाएंगे, बस से ही सारी जगह देखेंगे, पर जो भी मेन स्पॉट्स होंगे वहाँ पे उतर के देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे माहौल है। और ये है बस के अंदर और हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं ऊपर बैठने के लिए क्योंकि ऊपर से व्यू भी ठीक से शूट कर पाएंगे। मैं अभी बस में बैठ चुकी हूँ, बस में मास्क कंपलसरी है इसलिए मेरे मास्क ऑन है। और ये है ऐसी ये पूरी पीछे बस, आप देख सकते हो सारे टूरिस्ट है यहाँ पे। और इस बस में आपको हर सीट के पास ये ऐसे मिलेगा हेडफोन लगाने के लिए ऑप्शन, प्लस यहाँ पे आप लैंग्वेज वगैरह भी चूज कर सकते हो। तो आपने बस ये जो ऐसे हेडफोन्स है वो बस कान में लगाने हैं और ये जो भी जगह दिखाएंगे टूरिस्टिक स्पॉट्स ये सारी आपको आपके लैंग्वेज में आप ईयर कर सकते हो और जिस स्पॉट पे भी आपको उतरना है वहां पे भी उतर सकते हैं। और ये क्रिसमस मार्केट है यहाँ की, अभी तो स्टार्ट भी हो गई है। देखो सुबह के 11 बजे है बट 11 बजे से रात के 9 बजे तक ये चलती रहती है। और ये जो चर्च है टूटा हुआ है, तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम ही टूटा था, बट थोड़ा सा पोर्शन जो बचा हुआ है वो आप देख सकते हो पूरा रिस्टोर नहीं किया है उन्होंने, जैसा है वैसा ही है। और ये है यूरोप का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, ये ऑलमोस्ट 6,50,000 स्क्वायर फीट इतना बड़ा है। तो इस जगह का नाम है गार्डे वे, तो यहाँ पे सारे डिजाइनर ब्रांड्स हैं और ये ऑलमोस्ट 8 floor का है। तो अभी मैं बस से उतर चुकी हूँ और अभी जिस स्पॉट पे हम जाने वाले हैं इसका नाम है ईस्ट साइड गैलरी, जो एग्जैक्टली रोड के ऑपोजिट है, वहाँ पे चलेंगे। बट ऑलमोस्ट अभी -1 degree हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। मैं बात कर रही हूँ मेरे मुंह से धुआं निकल रहा है, तो अभी ग्लव्स पहनते हैं और चलते हैं रास्ते के उस पार। तो
लाइट गैलरी जो ये स्पॉट है ये बहुत ही फेमस और टूरिस्टिक स्पॉट है, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो पीछे जो वॉल है ये बर्लिन वॉल का कुछ हिस्सा बचा हुआ था और वहाँ पे ऑलमोस्ट 118 आर्टिस्ट ने जो कि 21 कंट्रीज से आए हुए थे उन्होंने आके यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हुई है। तो यहाँ के इन पेंटिंग्स के सामने फोटोज खींचने के लिए भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। आज के टाइम पे ये बर्लिन की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी है। बट मैं अभी इंतजार कर रही हूँ मेरे बस का ताकि मैं अगले स्पॉट पे भी जा सकूँ और वहाँ पे घूम सकूँ। इसलिए आधे घंटे से भी ज्यादा हुआ, ऑलमोस्ट एक घंटा हुआ मैं यहाँ पे रुकी हूँ बस के इंतजार में। उन्होंने तो बताया था कि आधे आधे घंटे में बसेस होती है बट अभी तक तो कोई बस नहीं आई है। तो बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो ये आइंस्टाइन कैफे है, जैसे अपने यहाँ पे स्टारबक्स कॉफी शॉप के जैसे आउटलेट्स होते हैं वैसे बर्लिन में ये आइंस्टाइन कैफे बहुत फेमस है। तो यही से मैंने कॉफी और सैंडविच ले लिया है क्योंकि ऑलमोस्ट दोपहर के 1:30 बजे और बहुत ज्यादा भूख लगी थी। तो मैंने एक्चुअली टेक अवे लिया था कॉफी और सैंडविच, ये सोच के कि अगर बस आएगी तो फटाक से मैं भाग के चढ़ सकती हूँ, उसी वजह से किसी रेस्टोरेंट में भी जाके खा नहीं पाए। तो जो बंदा एक दिन के लिए आता है ये सोचे कि एक दिन में हॉप ऑन हॉप ऑफ बस टूर लेके पूरा एक दिन में बर्लिन घूम सकते हैं, और अगर ऐसी सर्विस रहेगी तब तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत सारे स्पॉट्स तो देख ही नहीं पाएंगे। ऑलमोस्ट 23 स्पॉट्स है और हम तो अभी आई गेस 8 स्पॉट्स पे हैं, तो होपफुली जल्दी बस आए इंतजार हो रहा है अभी तो। हॉपन और बस टूर में लोग बोर होके कमेंट्री सुन सुन के आप देख सकते हो पीछे सो भी जाते हैं। और मैं हूँ अभी जर्मनी के वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क पे एंड दैट इज द ब्रांडनबर्ग टोर। आप जो ये पीछे मॉन्यूमेंट देख रहे हो इसको आपने बहुत जगहों पे फोटोज में वीडियोस में देखा होगा, स्पेशली जब जर्मनी की बात होती है तो, क्योंकि इसका रीजन भी ऐसा है ये वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक स्पॉट है जर्मनी का एंड इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। सारी तो नहीं बताऊंगी आपको क्योंकि आप बोर हो जाओगे, बट एक शॉर्ट में बताती हूँ क्यों ये जर्मनी की वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टिक प्लेस है। 1990 में जब रियूनिफिकेशन हुआ था ईस्ट और वेस्ट बर्लिन का, तब यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ था और बहुत सारे लोगों ने ये ग्रेट क्रॉस करके ईस्ट बर्लिन के लोग वेस्ट बर्लिन जा सकते थे और वेस्ट बर्लिन के लोग ईस्ट बर्लिन जा सकते थे। तो ये आज के डेट में एक काइंड ऑफ सिंबल है पीस एंड यूनिटी का। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो गेट है इसके थ्रू आप देख सकते हो 5 वेज बने हुए हैं वॉक थ्रू के लिए, और ऊपर जो है 4 हॉर्सेस है जो एक चैरियट को पुल कर रहे हैं। और ये गेट मिलिट्री प्रोसेशंस के लिए भी यूज किया जाता था, जिसे 1933 में जब हिटलर पावर में आया था तो इसी गेट के थ्रू मिलिट्री प्रोसेशन भी निकाली गई थी। और जर्मनी में आपको कभी भी रोड क्रॉस करना होगा तो सिग्नल ऑटोमेटिकली ग्रीन नहीं होता, यहाँ पे ऐसे बटन होता है वो प्रेस करना होता है और फिर यहाँ पे जब ग्रीन होगा तभी आप क्रॉस कर सकते हो। चलो अभी ब्रांडनबर्ग टोर जो लोकेशन है उसके हार्डली 2-3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको देखने मिलेगी ये जर्मनी की पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो इसके अंदर भी आप जा सकते हो, उसके लिए टिकट्स भी मिलती है जो आपको वहाँ पे एंट्रेंस में मिल जाएगी। तो बहुत सारा टूरिस्ट इस जगह पे भी आता है क्योंकि ये बहुत ही आइकॉनिक लोकेशन है जर्मनी का, और अगर आप भी आते हो तो पहले से ही प्लान करना, टिकट्स वगैरह ऑनलाइन चेक करना ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे अगर टिकट नहीं मिलती है तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर आप विंटर में आते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर
थोड़ा लेयरिंग वगैरह करके आना। अभी -2 डिग्री हो रहा है, मुझे बोला भी नहीं जा रहा, इतनी ज्यादा ठंड है। मैं तो लेयरिंग वगैरह करके आई हूँ, बट बहुत ज्यादा ठंड है आज और हवा भी बहुत ज्यादा चल रही है। विंटर में भी अच्छा ऑप्शन है घूमने के लिए, बट यही है कि आपको ज्यादा मॉन्यूमेंट्स और बाहर आप ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुक पाओगे, तो ये एक प्रॉब्लम मुझे लगती है विंटर्स के दौरान। बट अदरवाइज बड़ा सही माहौल है विंटर में भी। समर्स का एडवांटेज ये होता है कि दिन लंबे होते हैं, ज्यादा देर तक सनलाइट भी होती है, तो बहुत सारे आपको टूरिस्टिक जगहों पे घूमने की भी जो टाइमिंग्स होते हैं वो 10 बजे तक वगैरह भी होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप समर में प्लान करते हो। ऑलरेडी 4 बज गए हैं और अभी मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ क्योंकि मेरी 2 घंटे में ट्रेन है फ्रैंकफर्ट जाने के लिए। बट इससे पहले कि मैं जाऊँ, आपको एक मैं शॉर्ट ग्लिम्स देती हूँ कि बर्लिन में जो क्रिसमस मार्केट हो रही है वहाँ पे माहौल कैसा है। तो वन ऑफ द क्रिसमस मार्केट में जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल हो रहा है। स्टेशन पे और एक ही दिन के लिए मैं घूम पाई हूँ, पर जहाँ पे भी मैं मेन जगहों पे जा सकी वहाँ पे मैंने ट्राई किया है आपको भी दिखाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया को। और अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन ऑफ इडन। Thank you.